आईपीबी बैंक मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड क्या है? आईएफएससी कोड का मतलब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी कोड की हेल्प से आप जो है इंडिया में अपने अकाउंट में जो है किसी अदर बैंक से पैसे को मंगवा सकते हैं। तब आईपीबी बैंक का जो है आईएफएससी कोड क्या है, और साथ साथ बात करेंगे जो पीओएसपी खाता होता है, मतलब जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें पीओएसपी खाता खुलते हैं, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट खुलता है जिसमें आपको जो पासबुक खुलती है उसका आईएफएससी कोड क्या है, उसमें अगर आपका खाता है तो उसमें आप जो है पैसे कैसे मंगा सकते हैं, दोनों पर ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों मैंने जो है आईएफएससी कोड की जो फुल फॉर्म आपको बता दी है, आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऐसा कोड जिसकी हेल्प से आप जो है इंडिया में रहते हुए जो है किसी अदर बैंक से अपने बैंक में जो है पैसे को मंगा सकते हैं, तो आपको जो है इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपका खाता जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब आईपीबी बैंक में है तो उसमें आप जो है तब आपको जो है आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ेगी। तो आईपीबी बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, IPOS 000001। ये सभी ब्रांच के लिए जो है सिंगल कोड है, आपका जो है खाता किसी भी ब्रांच में हो आपको जो है इसी आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करना है अगर आप जो अपने आईपीबी खाते में किसी अदर बैंक से पैसे को मंगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आपको पासबुक मिलती है, 500 रुपए से खाता खुलता है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, तो स्क्रीन पर आप दे सकते हैं इसका कोड IPOS 000DOP। ये दोस्तों इसका आईएफएससी कोड है। अगर आपका सेविंग अकाउंट जो है इंडिया पोस्ट मतलब डाकघर में है और आप जो है उसमें किसी अदर बैंक से जो है पैसे को मंगाना चाहते हैं, तब आपको जो है इस आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये दोस्तों सिंगल आईएफएससी कोड है सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से कीजिए, उसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी कभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।